बिहार झारखंड राज्य के बहुउद्देशीय भूमि विकास बैंक के निदेशक निर्वाचित होने पर हर्ष। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को गोपालगंज जिला के बहुउद्देशीय भूमि विकास बैंक के कार्यालय पर कांग्रेस नेता डॉ. रवींद्रनाथ सिंह जी का बिहार झारखंड बहुउद्देशीय भूमि विकास बैंक के निदेशक निर्वाचित होने पर भव्य स्वागत माला पहनाकर किया गया। इस अवसर पर सभा में उपस्थित लोगों ने खुशी में मिठाइयां बांटी तथा उन्हें नवनिर्वाचित पद के लिए शुभकामनाएं दी तथा उनके दीर्घायु होने की दुआ की। जिले के डॉ. रवींद्रनाथ सिंह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पद को सुशोभित किया। उनके नए प्रभार के सफलता की मंगल कामना की गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनकी नई भूमिका के प्रति विश्वास व्यक्त किया कि बिहार झारखंड का भूमि विकास बैंक अपनी पुरानी गौरव को प्राप्त करेगा और आम जन के जीवन परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनेगा। स्वागत सभा की अध्यक्षता ओम प्रकाश दुबे ने की। स्वागत सभा में शुभकामना एवं बधाई देने वालों में जदयू के प्रदेश सचिव श्री ललन मांझी, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि इजहरुल हक, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष धनंजय गिरी, उमेश श्रीवास्तव, रामकुमार मांझी, अनिल कुमार दुबे, मोहम्मद शहाबुद्दीन, सेवा दाल के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष आदर्श भारद्वाज, भूमि विकास बैंक के क्षेत्र प्रबंधक विपिन कुमार सिंह, जिला कांग्रेस महासचिव रविशंकर चौबे, भूप नारायण सिंह, मानस सिंह इत्यादि शामिल थे। भूमि बहुउद्देशीय भूमि विकास बैंक कार्यालय में चेयरमैन भी हम हैं यहाँ के, और मेरे कार्यालय में लोगों द्वारा यह अभिनंदन किया जा रहा है। किस तरीके का अभिनंदन प्रोग्राम था? भूमि विकास बैंक का निर्माण जो हुआ वह किसानों के हित में हुआ, और यह एक जमाना था कि किसान जो है इसी पर आधारित थे, और ट्रैक्टर बहुत सा ऑपरेटर्स उस समय किसानों के लिए उस बैंक ने बांटी, ऋण बांटी, जो कि आज वसूली का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। यहाँ की प्रगति बहुत अच्छी है, और भूमि विकास बैंक के हमारे जो प्रदेश स्टेट चेयरमैन हैं वह विजय कुमार सिंह जो हैं, वह उन्हीं की देख रेख में यहाँ ऋण का वितरण होने जा रहा है, और यह बहुत किसानों के लिए सफलता की बात है। जी, आज हम लोग गोपालगंज जिले के भूमि विकास बैंक में एक स्वागत समारोह में आए हुए हैं। यहाँ पर बिहार और झारखंड का जो बहुउद्देशीय भूमि विकास बैंक है, इनके निदेशक पद के लिए डॉक्टर रविंद्रनाथ सिंह जी निर्वाचित हुए हैं। इनका आज स्वागत समारोह है। हम लोग इनको स्वागत करने, इनका धन्यवाद ज्ञापित करने, इनका बधाई देने के लिए हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। सारे लोगों में खुशी है कि ये अपने नई भूमिका में इस बैंक को बिहार स्तर पर और झारखंड स्तर पर एक गौरव प्रदान करेंगे। शुरू से ही यह जनता का बैंक रहा है, और जनता के से जुड़ी समस्याओं को लेकर के किसानों के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए इनका योगदान है, और हम लोग इस शुभकामना देने के लिए आए हैं कि इनके नेतृत्व में बिहार का जो और झारखंड का जो ये बहुत उद्देश्य भूमि विकास बैंक है, ये अपने गरिमा को प्राप्त करेगा। और ये गोपालगंज जिले में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गोपालगंज का निदेशक बना है, तो हम लोगों को बहुत खुशी है, और हम लोग इसी उपलक्ष्य में इनका स्वागत करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। हम लोग हर्ष में आज मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं, मिठाइयाँ सबको खिला भी रहे हैं, और माला पहना करके श्री रविंद्रनाथ सिंह जी का हम लोग जबरदस्त स्वागत किए हैं। सारे यहाँ के लोगों में, कार्यकर्ताओं में, बैंक कर्मियों में, सारे में बहुत उमंग और उत्साह है। हम लोग बहुत आभारी हैं यहाँ के प्रदेश के जो अध्यक्ष माया देवी जी हैं, उनका कि इन्होंने इनको इस पद पर निर्वाचित किया है, और हम लोगों में ये बहुत खुशी की बात है। गोपालगंज जिले के लिए बहुत गर्व की बात है।